नमस्कार, आप देख रहे हो आप ही का चैनल यूट्यूब रतन धार्मिक। आज फिर मैं रतन वर्मा नित्य आपको धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक बातें, भजन व कोई भी सामाजिक कार्यक्रमों में इस चैनल पर आपको दिखाता रहता हूँ। तो आज का दिन भी बड़ा विशेष दिन है कि मैं आज पहुँचा हूँ होली दूरी के पास में। एक मंदिर है, प्राचीन मंदिर इसको मैं बोल सकता हूँ। वैसे तो प्राचीन मैं इसलिए बोलूँगा कि जो अंशु जी महाराज आज जो पैदल यात्रा कर रहे हैं, शानन जा रहे हैं पैदल यात्रा डीजे लेकर के, तो उनके जो भाई साहब, उनसे मैंने बात की कि भाई साहब ये आप यात्रा कौन सी यात्रा है, 10वीं है, 11वीं है, पहली है, दूसरी है। वो कहते भाई साहब इस यात्रा का मेरे पास कोई गिनती नहीं है। हमारे पिताजी जो थे ना, वो मतलब क्या है कि ये शरण माता जाते थे और आज हमारी भी उम्र कम से कम भी 45-50 वर्ष की होगी और हम कंटिन्यू शरण पैदल यात्रा करते हैं और काली माता के हम सेवा करते हैं। घर के अंदर उन्होंने एक छोटा सा मंदिर भी बना रखा है। तो आज के दिन सातों के दिन यानी भादवे के सातों को वो आज अंशु जी महाराज पैदल यात्रा डीजे लेकर के शरण जा रहे हैं और वही मैं कार्यक्रम आपको दिखा रहा हूँ। और हमेशा मैं इस चैनल पर जितनी मुझे थोड़ी जानकारी होती है वो जानकारी आपको देना चाहता हूँ। और देखो इस कार्यक्रम के अंदर मैं जो भी कोई नया जो देखता हूँ वो आपको बताता रहता हूँ। तो आज अंशु जी महाराज के साथ जो डीजे तो जाहिर है और उसके साथ में एक तोता और है, ग्रीन कलर का तोता, उसको भी साथ यात्रा में लेकर के जा रहे हैं, जो आप वीडियो के अंदर आप देखोगे। और एक बात थोड़ी सी और बता दूं कि इस बार इन्होंने वो कावड़ लेके भी जा रहे हैं, दो भक्त इनके साथ में कावड़ लेके जा रहे हैं। तो मैंने भक्तों से बात की, भाई साहब ये कावड़ लेके जा रहे हैं उसका क्या मतलब है? तो उन भक्तों ने हमारे को बताया, तो एक तो मेरे ख्याल से हरित वालों का लड़का था, ब्राह्मणों का, एक और था, क्योंकि उस वक्त डीजे बजना प्रारंभ हो गया था इसलिए मैं उनसे वार्तालाप थोड़ी सी जो जिसको बोलते हैं इंटरव्यू या बातचीत में उनसे नहीं कर सका, क्योंकि फिर वो हमारे इस चैनल पर कॉपीराइट आ जाती है, फिर वो फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वापस हमें वीडियो उड़ाना पड़ता है, मतलब फ़ायदे का मतलब ही है। तो उनसे मेरी बात तो पूरी होनी चाहिए, हो नहीं पाई, लेकिन उन्होंने मेरे को बताया कि भाई साहब मैं 2-3 वर्षों से कंटिन्यू कावड़ लेके जाता हूँ और हमारी कोई मनोकामना थी वो मनोकामना पूर्ण हुई है। तो ये यहाँ अंशु जी महाराज के अंदर काली माता के भाव भी आते हैं, वो दृश्य मैं आपको नहीं दिखा सकता। अगर कभी आप, अगर जो भक्त सुन रहे हैं, कभी आपको इस सातम को अगर शाम को 4 बजे का अगर समय मिले तो आप उस मंदिर के अंदर जाना आप। अरे बड़ी कठिनाई होती है जब वो उनके अंदर माता का भाव आता है। आज मैंने देखा तो मैं तो खुद घबराने लग गया, डरने लग गया, अभी ये क्या हो रहा है बहुत। और पैर उनके एकदम जुड़ गए थे, बहुत ही विकराल, मतलब क्या है कि मतलब मैं बता नहीं सकता किस प्रकार का मतलब दृश्य वहाँ हो गया, एकदम मैं डरने से लग गया था। वहाँ भक्त खड़े थे, सभी आ जोड़ रहे थे और आज जो ये हाथ के अंदर ध्वजा लेकर के आज यात्रा कर रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा शानन के बारे में और मैं जानकारी देना चाहता हूँ। पहले तो आपको ये बता दूं कि भादवे की सातों को ये यहाँ से रवाना होकर के शानन जाते हैं, नवमी को वहाँ पहुँचते हैं और नवमी के दिन वहाँ भंडारा होता है इसी मंदिर की तरफ से। और शानन वो स्थान है, कहते हैं कि महाभारत के समय का वो है। यहाँ जो पत्थर वगैरह है उस पत्थरों के अंदर एक इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, कहते हैं जी जो महाभारत के जो भीम थे वो भीम इन गट्टों से खेला करते थे। एक मूर्ति है वहाँ काली माता की जो प्राचीन है और कहते हैं इसी जमीन से यानी इसी पहाड़ के अंदर से वो मूर्ति, श्री काली माता की मूर्ति निकली थी। और यहाँ तक हमने सुना है कि बहुत यहाँ बड़े विशाल मूर्ति भी जो 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 भीम थे वो काली माता के उपासक थे, काली माता की सेवा करते थे और काली माता की सेवा करने से उन्होंने मतलब क्या कोई ऐसी मूर्ति भी कहते हैं कि कोई पत्थर की बनाई, वो तो छोटी मूर्ति जो उसी पहाड़ में से और निकली जो आज भी वहाँ विराजमान है। तो आज मैं आपको शानन के दर्शन नहीं, उस यात्रा के दर्शन करवा रहा हूँ और भक्त नाचते गाते हुए जो यात्रा कर रहे हैं वो मैं सारा दृश्य एक दो भजन के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ।
तो देखते रहिए आप हमारे चैनल YouTube रतनगढ़ धार्मिक। मैं भी बड़े मेहनत से इस प्रकार के कार्यक्रम बनाता हूँ, तो अगर आपको ये हमारा प्रोग्राम और कार्यक्रम और ये यात्रा जो शानन की यात्रा अगर अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छा, बताने में कहीं भी कोई गलती मेरे से रही हो, मुझे अगर जानकारी कम है तो मुझे माफ़ करना। मैं चूरू डिस्ट्रिक्ट रतनगढ़ से रतन वर्मा, धन्यवाद। Thank you.
देखो जी मुल्तान के तमे हर भाई रो जावे भवानी देखो जी मुल्तान के तमे हर भाई रो प्यारे रो कणक सावली पकड़ पंदा में फेराऊ पेली देखो ताई आज भवानी मेरी करो खाने निवने तरह में परम बारी आज भवानी मेरी करो रही मत में